हाँ दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम इन ऑर्डर आर ए 1.2, बी 4.y, सी x.6 एंड डी 3.5। देन x.y इज, ठीक है, हमें पैरेललोग्राम के चार वर्टाइसेस दे रखे हैं, ठीक है, ये सारे वर्टाइसेस है अपने पास। हमें क्या करनी है, x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो पहले अपन पैरेललोग्राम बना देते हैं, ए इसको दे देता हूं, तो ए का वर्टाइसिस क्या है 1.2। बी इसको दे देता हूं क्योंकि चारों के चारों ऑर्डर में, ऑर्डर में मतलब लाइन वार से, ए के बाद बी, बी के बाद सी, फिर सी के बाद डी, ठीक है। बी, बी का कोऑर्डिनेट क्या है 4.y, तो 4.y लिख दिया, ठीक है। फिर है सी, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है x.6, सी के कोऑर्डिनेट है x.6 लिख दिया। फिर है डी, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3.5, तो डी के कोऑर्डिनेट लिख दिए 3.5। अब अपन को क्या बोला है, एक्स और कोमा, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसके अंदर अपन एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी है ध्यान से सुनना, कि किसी भी पैरेललोग्राम में जो उसकी डायगोनल्स होती है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, ठीक है। वापस सुनना, किसी भी पैरेललोग्राम में जो उसकी दो डायगोनल्स होती है वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, बाइसेक्ट करने का मतलब है कि ये वाली लाइन इसको दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ेगी, ठीक है, और ये वाली लाइन इसको दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ेगी, ठीक है। मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, ठीक है। तो भाई ये पॉइंट जो है, इसको मान लेता हूं मैं एम, ये पॉइंट माना मैंने एम, तो एम क्या है, इस लाइन का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि भाई ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अगर इक्वल है तो एम क्या है, इस लाइन का मिड पॉइंट है। कौन सी लाइन, बी, बी डी का, ठीक है। और ये एम जो है, इस लाइन एसी का भी मिड पॉइंट है, ठीक है भाई। अगर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है तो एम क्या है, इस लाइन का मिड पॉइंट होगा ना। तो ये जो पॉइंट एम है, ये लाइन बीडी का भी मिड पॉइंट है और ये लाइन एसी का भी मिड पॉइंट है, ठीक है। तो एक बार मैं एम का कोऑर्डिनेट्स इस वाले एसी के अकॉर्डिंग निकालता हूं, और एक बार एम के कोऑर्डिनेट्स बीडी के अकॉर्डिंग निकालता हूं। देखो क्या स्टेप है, ये मैंने लाइन बनाई बीडी, ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4.y, तो लिख दिए 4.y, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3.5, तो लिख दिए 3.5। ये हो गया एम, एम क्या है, इनका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट के लिए कैसे कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, x1 + x2/2, और y कोऑर्डिनेट निकालते हैं y1 + y2/2। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है, इसका जो x कोऑर्डिनेट आएगा मैं यहां पे लिख देता हूं डायरेक्ट, वो क्या आएगा 4 + 3/2, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा y + 5/2, y + 5/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 7/2 कॉमा y + 5/2, ये आ गए m के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब एक बार m को किसका मानो, AC का मिड पॉइंट माने, तो a मेरा ये ना C, और ये M इसका मिड पॉइंट। A के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1.2, C के कोऑर्डिनेट्स क्या है x.6। अब M के कोऑर्डिनेट्स निकालने मुझे, तो M के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, M के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1 + x/2, और Y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 + 6/2, ठीक है। तो ये क्या बन गया अपना, M के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1 + x/2, और ये हो जाएगा 2 + 6 = 8, 8/2 क्या हो जाएगा 4। तो भाई ये भी m के कोऑर्डिनेट्स है और ये भी m के कोऑर्डिनेट्स है, तो दोनों सेम होने चाहिए भाई। ये भी राम है और ये भी राम है, तुम्हें दो फोटो दे दी, दोनों में राम राम दे रखे, तो उनके सरनेम सेम हो गए ना। तो भाई ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो इनका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट इक्वल होगा। मतलब 1 + x/2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 7/2 के इक्वल होगी, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 6, x की वैल्यू आ गई 6, और y की वैल्यू मैं यहां निकाल देता हूं। अब y कोऑर्डिनेट मतलब y + 5/2 किसके इक्वल होगा, इसके y कोऑर्डिनेट के 4 के इक्वल, तो y + 5/2 = 4। अब इस 2 को उधर फेंक दो तो क्या आ जाएगा मेरे पास, y + 5 = 8, यहां से y की क्या वैल्यू आ जाएगी 3।
तो अपना x कोऑर्डिनेट तो आ गया 6 और y कोऑर्डिनेट आ गया 3, तो कौन सा ऑप्शन 6.3 वाला, ए ऑप्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फिनिश होता है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।